डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, इसका मतलब होता है जिसमें ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर सारे लोग जो होते हैं किसी एक व्यक्ति, समूह या संगठन के हाथ में केंद्रित होते हैं। ये जो पावर है बस एक व्यक्ति के हाथ में होती है। अब इतिहास में तो हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर डिक्टेटरशिप के एग्जांपल्स हमें पता चले हैं, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जहां आपको देखने मिलेगा द रियल डिक्टेटरशिप। मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के राज में लोग न तो अपने मन से वोट कर सकते हैं और अगर उन्होंने वोट किया तो उन्हें मिलती है सजा। चलिए बात करते हैं आज द रियल डिक्टेटरशिप के बारे में। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और इसके नतीजे भी आए हैं, जिसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस देखा जा रहा है बंगाल में। ये एक घटना आप देख लीजिए जो कि हुई है 17 जून को। इस घटना को सुन के आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना है वैसी है। यह है बंगाल के दिनहाटा इलाके की घटना, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान एक दंपति ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन वोट करने के बाद जो उन पर अन्याय हुआ आप सोच भी नहीं सकते। 6 महीने की गर्भवती महिला को टीएमसी के कार्यकर्ता ने लात मारी और काफी पीटा, जिस वजह से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पति ने घटना को बताते हुए ये कहा कि मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, इसलिए बीवी को उन्होंने लात मारी और मैंने पुलिस में इसकी एफआईआर तक दर्ज कराई है। अब ये तो एक दंपति पर अन्याय हुआ, अब एक और घटना सुन लीजिए जो कि हाल ही में हुआ है। गंगारामपुर ये इलाका है, बड़ा शहर है। इस बड़े शहर में कई सारे वार्ड्स आते हैं। अब जिन जिन वार्ड्स में टीएमसी को लोगों ने वोट नहीं किया है उन पर हुआ है अन्याय। अन्याय कुछ इस तरह से हुआ कि उनकी पानी और उनका जो बिजली है वो काट दिया गया है। इस बारे में हमें जानकारी दी है वृंदावन घोष ने, जो कि है बीजेपी के नेता। सुनिए। हर एक बंदे को, हर एक आदमी को अपना अधिकार है कि वो कहीं भी वोट डाल सकते हैं। आप पावर में है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पावर की अपव्यवहार करके, आप उस पावर का गलत इस्तेमाल करके साधारण आदमियों की जो जनजीवन है उसको विघटित करें। अब पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो संदेश खाली का ये जो मुद्दा है वो तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हुआ था लगातार, और ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव के पहले आया था। लेकिन अब हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब उसके बाद लोगों के साथ क्या हो रहा है, सुनिए रविशंकर प्रसाद से, जो कि है बीजेपी के सांसद। संदेश खालिया के मन बहुत अच्छा भी लगा, बहुत दुख भी लगा। इन महिलाओं के चेहरे पर जो हिम्मत देखी, आशा देखी, लड़ने का जज्बा देखा, रेखा पात्रा जो हमारी एमपी कैंडिडेट थी 4.5 लाख वोट लाई है, और दूसरा यहाँ उनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। कहते हैं ममता जी ने पंप लगाया है, तुमने वोट नहीं दिया नहीं मिलेगा, क्या मतलब है? क्या अमानवीयता की पराकाष्ठा होगी संदेश खाली में? कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग ममता जी की सरकार? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको थ्रेट करते हैं कि कुछ करोगी तो तुरंत हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे घर तोड़े गए हैं, और ये सब आदिवासी लोग हैं, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम अपेक्षा करेंगे इनको सुरक्षा दी जाएगी। थैंक यू। यानी कि आप लोगों ने देखा कि जो लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि पानी हुआ, बिजली हुआ, उन पर वार किया जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस जो है वो भी उनके साथ शामिल है। दरअसल जब भी ऐसे कोई घटना होती है तो एक आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी जाएगा पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज कराएगा, मदद मांगेगा। लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर भी है, यानी कि पुलिस जो क्या करेगी, कैसे एक्शन लेगी, सब उनके हाथ में है, और इसलिए ये हमले होते आ रहे हैं। अब आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता देते हैं। 2023 में पंचायती चुनाव हुए थे बंगाल में, जहां पर जिन जिन लोगों ने विपक्ष को वोट किया या फिर उन्हें सपोर्ट किया उन्हें मारा गया। आंकड़ा बताए तो 250 से 300 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब आप लोग सोच रहे रहेंगे कि ये सब कब से होते आ रहा है। आपको बताते हैं सीपीआईएम का जब जमाना था, तब जब चुनाव आते थे तब अपोजिशन के घर पर सफेद कपड़ा भेज दिया जाता था और उन्हें धमकी दी जाती थी कि अगर आप चुनाव में जीतते हैं या फिर आप चुनाव में सामने आते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन 2011 से जब से टीएमसी की सरकार आई है, जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से और कुछ नहीं होता, सीधा होता है मर्डर। अब जैसे कि ये जो वायलेंस है काफी बढ़ चुका है, जैसे कि सरकार है वहां पे टीएमसी की, लेकिन विपक्ष भी है बीजेपी के, बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता हैं, नेता है, पर ये जो वायलेंस है इस कदर तक बढ़ चुका है कि जो बीजेपी वर्कर्स हैं खुद को बचाने के लिए अपने ऑफिस को छोड़ के कलकत्ता में जा रहे हैं रेफ्यूजी बनकर, क्योंकि आखिरकार उनका भी परिवार है और उन्हें खुद की भी जान बचानी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा देश लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर इस लोकसभा चुनाव में हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया था कि लोग जिन्हें वोट करना चाहते हैं वो उन्हें वोट करके रहेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र हमारे देश के एक राज्य जो कि है पश्चिम बंगाल में नहीं देखा जाता है। ऐसे मामले दिन प्रतिदिन हमें सुनाई देते हैं और जिस वजह से कई सारे लोगों की हत्या भी कर दी जाती है।
अगर आप वोट करेंगे किसी और को तो आपको मार दिया जाएगा, अगर आपने उन्हें समर्थन नहीं दिया तो आपको मार दिया जाएगा, और अगर आप उनके रूल्स के हिसाब से नहीं चले तो आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो तक रोक दिए जाएंगे। वैसे ये कहा तो जाता है कि राजनीति बुरी है, लेकिन इतनी बुरी कि लोग अपनी आवाज तक भूल जाए, लोग कुछ कहने से डरे और इस कदर तक जो डिक्टेटरशिप है वो फैल जाए। तो हमने आपको बताया द रियल डिक्टेटरशिप के बारे में। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।